न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़वानी शहर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर दौड़ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को शहर के करंजा चौराहे बड़वानी से राष्ट्रीय एकता दौड़ हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ हुई, जो कि रंजीत क्लब आशाग्राम होते हुए शिवकुंज आशाग्राम तक पहुंची। जिले के बड़वानी, निवाली, सेंधवा सहित अन्य स्थानों पर रैली का आयोजन कर एकता की शपथ दी गई। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी की दौड़ लगाई जाती है, उसी के उपलक्ष्य में दौड़ का आयोजन किया गया था। इस दौड़ में जिले के अधिकारीगण, समाज सेवी तथा स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा सभी को बधाई देते हुए उन्हें बताया गया कि सभी से उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा हमारे देशवासियों में जो भावना जागृत की थी, उसी भावना के तहत जिस प्रकार एकता की शपथ ली है, उसी के तहत सभी लोग अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे। साथ ही आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर को स्थापित हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को कारंजा से दही बेड़ा तक साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। दही बेड़ा जो क्षेत्र का बहुत ही रमणीय स्थल है और नदी किनारे स्थित है, कलेक्टर द्वारा सभी समाज सेवियों से अपील है कि जिनके पास साइकिल है वे साइकिल रैली में शामिल हो, नहीं हो तो किसी से उपलब्ध करा ले, लेकिन साइकिल रैली में अवश्य शामिल रहे। सुबह निर्धारित समय पर साइकिल रैली आयोजित होगी और शाम को कॉलेज में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में SBN महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की बात भी कही। आज आयोजित राष्ट्रीय एकता दौड़ में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत CEO अनिल कुमार डामोर, अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी, छात्र छात्राओं सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। सर, आज सुबह जो दौड़ रखी गई थी, क्या उद्देश्य था सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी, मतलब एकता की दौड़ रखी जाती है और उसी उपलक्ष्य में आज बड़वानी जिले के सभी अधिकारीगण, समाजसेवीगण और स्कूली जो बच्चे हैं, आज उनके द्वारा एक इस रन फॉर यूनिटी में भाग लिया गया और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मैं उन सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भावना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे देशवासियों को जागृत की थी, सब उसी भावना के तहत में जो शपथ ली है, एकता की शपथ ली है, उसके तहत अभी सभी लोग अपने अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही चलते रहेंगे। धन्यवाद। और सर, आगे क्या कार्यक्रम है सर? कल जैसा कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर को स्थापित हुआ था और उसी उपलक्ष्य में कल सुबह 7 बजे कारंजा से दही बेड़ा, जो कि बहुत रमणीय स्थल है, नर्मदा जी किनारे है, वहां तक साइकिल रैली का कल आयोजन होगा। सुबह 7 बजे मैं सभी जो पर्यावरण प्रेमी हैं, समाज सेवी हैं, जिनके पास साइकिल है, साइकिल नहीं है तो साइकिल उधार लें, मांग है किसी से किराए से लें, लेकिन कल की साइकिल रैली में भाग अवश्य लें। कल हम लोग सुबह 7 बजे साइकिल रैली से जाएंगे और कल शाम को 6:30 बजे से भीमा नायक कॉलेज में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, अन्य कार्यक्रम होंगे। मैं उसमें भी उम्मीद करता हूँ कि सभी जो शहरवासी और जो आसपास के लोग हैं, सभी उसमें शामिल हों और कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।